तो मूविंग फॉरवर्ड हम वन बाय वन ड्रा मेन्यू को बिल्कुल एंड uh, करते हुए जा रहे हैं तो अब हम uh, इसके अंदर दो कमांड का इस्तेमाल जिसमें से जो एक कमांड हमारी है उसका मेनली यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कर रहे होते हैं बट जस्ट एक हमारा बेसिक इंट्रो होना चाहिए इन कमांड्स का भी ताकि इन केस कहीं ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो हेलिक्स कमांड जो है हमारी इसको हम जब स्पायरल हम स्टेयर्स की तरफ मूव करते हैं अभी हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग्स वगैरह में भी जब हम बनाने लगे तब भी इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं फिर हमारे साथ डोनट कमांड हम देखेंगे जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर व्हील्स के अंदर काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है तो आल दो इनकी अभी डायरेक्ट अप्लीकेशन थोड़ी आ, कम नज़र आएंगी हमें लेकिन आनवर्ड फ्यूचर में जब कभी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए या आपको लगता है आपने कोई ऐसी चीज़ ड्रा करनी है जिसके अंदर इन दोनों कमांड्स का इस्तेमाल हो तो आपको पता हो कि इन दोनों कमांड्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आइए बढ़ते हैं कैट की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों कमांड्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास हमारा बेसिक जो है वो जो इंटरफेस जिस पर ऑलरेडी हम वर्क करते आ रहे हैं और ये हमारे पास वो लास्ट ड्राइंग जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया था इसको हम यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है हमारी बेसिक फाइल दोबारा जिसका नाम हमने ब्लॉक कमांड एन ऑटो फ़ फ़िलहाल रखा हुआ है आज हम इसी कमांड के अंदर ही इन टॉपिक्स में आने वाले में एग्जीक्यूट वर्क करते रहेंगे तो अब हम आ, ड्रा करने जा रहे हैं हेलिक्स और डोनट कमांड इन ऑटो कैट जिसकी हमने थोड़ी सी एप्लिकेशन देखी तो वन बाई वन हम ड्रा करना सीखते हैं तो आ, सबसे पहले हम ड्रा मेन्यू के अंदर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डोनट की भी मौजूद है तो हम डोनट से स्टार्ट कर लेते हैं जैसे ही हम डोनट कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई इन साइड डायामीटर एक्चुअली जो डोनट है जिस तरह हमने बात की व्हील की तो इसके दो डायया आपको डाया मीटर या हम आगे जाकर रेडियस में भी वर्क कर सकते रेडियस और डायमीटर का रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था डाययाटर हमेशा रेडियस का डबल फिगर को हमने जैसा देखा था किसी भी आ, सर्कल का किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो था वो हमारा डाया था और सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस था तो अब वो हमसे इन साइड और आउटर साइड डायमीटर पूछेगा क्योंकि ये अभी हम जो शेप बनेंगे आप नोट करेंगे इसमें दो सर्कल्स वर्क कर रहे होंगे एक इनर सर्कल और एक हमारा आउटर सर्कल तो हम फर्ज करें इन साइड सर्कल को कोई भी रेडियस दे देते हैं ये टेन फीट ऑलरेडी आ रहा है और ये नीचे भी टेन फीट आ रहा है और अगेन मैं बार बार जो एक चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कैड के अंदर कि जब भी कोई एक मैसेज हमें नजर आता है कैड के अंदर अगर हम उनके मैसेज से एग्री करते हैं जो स्कैड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है अगर आप उस इंस्ट्रक्शन से एग्री करते हैं तो आपने सिंपल एंटर बटन प्रेस कर देना है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई तब्दीली करनी है तो फिर आप अपनी वैल्यू इसके अंदर नोट करते हैं तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अगर आप सेम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं बट यू कैन इवन चेंज द वैल्यू तो आप यहाँ वैल्यू चेंज करें और एंटर प्रेस करते हैं अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दो सर्कल्स यहाँ पे लगे हुए होंगे एक इनर और एक आउटर अब हमने इनर हमारा सर्कल था उसका हमने डायमीटर दिया अब हम आउटर जो हमारा डोनट है उसका सपोज हम 20 फीट यहाँ पे कर लेते हैं और हम इसे एंटर करते हैं अब हम जहाँ पर भी ये अगर हम नोट करें अब एक और एक और दो से तीन चार और जब आपने इसको कर दिया तो आप एंटर कमांड प्रेस कर दें तो ये हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो हैं वो डोनट्स लगे अब हम वापस आते हैं तो ये अगर मैं एक थोड़ा सा जूम इन करता हूँ किसी एक तो ये हमारे पास एक्चुअली दो जो है वो यहाँ पे सर्कल या डोनट्स वर्क कर रहे हैं वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन तो आपने जब व्हीकल्स देखी होंगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी हद तक इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अब वापस मैं आ जाता हूँ क्योंकि अब शेप हमारे सामने आ चुकी है तो जरा चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी एक हमने यहाँ से ड्रा में से पिक की और सेकेंड मैथड हम जो है वो अपना यहाँ से डी ओ कमांड जो हमारे पास शॉर्ट की है डोनट की दैट इज डी ओ और एक मैथड हमारे पास सा ड्रॉ के अंदर जाकर अब मैं दोबारा डी ओ पे क्लिक करता हूँ अब आप नोट करें ये इसको सामने रखकर स्पेसिफाई इन साइड डाया ऑफ डोनट एक्चुअली दिस वन ये आपसे वो पहला पूछता है और फिर आपसे वो आउटर पूछता है और इनके दरमियान जितना आप डिफरेंस रखते हैं वो ये जगह है जो इस टाइम सॉलिड या फिल्ड कलर में हमें नज़र आ रही है अब हम अगर सपोज यहाँ पे बारह इनर और आउटर को भी बारह ही रख लें तो लेट्स सी कि फिर ये क्या करता है तो जैसे ही हमने हम अगर आप नोट करें लगाया तो उसने सेम एक ही लाइन लगा दी रीजन बिहाइंड क्योंकि हमने इन दोनों का जो डोनेट्स का रेडी डाया था वो दोनों का बराबर कर दिया तो जैसे ही हमने इनका आपस में डाया बराबर किया तो उसने एक ही लाइन जो है वो हमें ड्रा कर दी तो ये हमारे पास इस तरह हम डोनेट कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं डी ओ सिंपल निचली आपने इनर रेडियस अब हम मैं चेंज कर लेता हूँ बारह और आउटर रेडियस हम कर लेते हैं सपोज फिफ्टी फीट ताकि हम डिफ्रेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाए और अब हम लगा के देखते हैं तो अब आप नोट करें तो ये हमारे पास इनर और आउटर और ये ज़्यादातर हम इसको मैनुफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम स्केप या एंटर प्रेस करते हैं और हम इस कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं ये हमारे पास थी डोनेट की कमांड अब हम जा रहे हैं हेलिक्स कमांड की तरफ जो कि हम रिंग्स के अंदर या स्पायरल स्टेयर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको ड्रा करने का मैथड भी एक तो आपने जब भी कोई चीज़ ड्रा करनी है सबसे पहले अगर आपको कमांड भूल भी गई है ड्रा मैन्यू लाजमी चेक कर लें वहाँ से आपको मिल जाएगी नहीं तो आपको ये साइड में ऑप्शन मौजूद है या अगर आपको उस कमांड का कहीं से नाम आता है तो आप सिंपली उसकी कोई एब्रिवेशन का पहला एक दो दूसरा लफ्ज लिखेंगे नाम का तो वो आपको कैड कमांड लाइन से ही ढूंढ देगा तो ड्रा के अंदर से हम सेकेंड जो अपना जिसको अभी हम वर्क करने जा रहे हैं हेलिक्स कमांड ये हमारे पास मौजूद है ये शेप भी वो बता रहा है कुछ जैसे ही मैं हेलिक्स कमांड को क्लिक करता हूँ सबसे पहले वो सेंटर पॉइंट या बेस यहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या उसका सेंटर पॉइंट जैसे ही मैंने इस पर क्लिक की तो ये आपने आउटर जाकर रेडियस uh, के ऊपर अब ये मैंने फर्स्ट क्लिक की सेंटर अब दूसरा जो है वो मुझसे पूछ रहा है आउटर क्लिक या रेडियस जितना मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा अब जहां मैं आउटर क्लिक करूंगा उसके विद इन आप जो है वो ईजिली कोई भी ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक शेप बन रही है और इसको यहाँ से एंटर प्रेस कर दें तो ये हमारे पास ऑप्शन है हेलिक्स की एच ई एल आई हम लेके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं हेलिक्स ये हमारे पास कमांड है हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट या बेस जिससे हम कह रहे हैं स्पेसिफाई किया और अब हम यहाँ पर ये यह बाहर इसका डायमीटर या रेडियस स्पेसिफाई करते हैं अब ये दोनों स्पेसिफाई करने के बाद हम यहां पर ये यह हमारे पास फॉर्ज करें ये ऑप्शन है और अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रही है एक्सिस की जैसे मैंने अंदर क्लिक किया तो ऑप्शन एक्सिस की मौजूद है जैसे एक्सिस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास वो हमें मूव करने की ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने ये लाइंस अगर सपोज आप ये हेलिक्स कमांड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं डाउनवर्ड भी कर सकते हैं आप उसको राइट right साइड पे भी कर सकते हैं आप इसको टॉप और आप इसको लेफ्ट साइड क्या किया यहाँ पे सिंपल एच ई एल आई कमांड या हेलिक्स पिक कर लें आप ड्रा से उसका हमने सबसे पहले बेस पॉइंट देना है या रेडियस जहाँ से हम इसको करना चाह रहे हैं ऑपरेट आपने उस पर क्लिक किया आपने ये सपोज मेरा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सिस के ऊपर और एक्सिस को चेंज करके अब आप चाहें तो एंड पॉइंट की आप डायमेंशन भी यहाँ देख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं या आप चाहें तो अब जहाँ पर क्लिक करें और एंटर कर दें तो इस तरह आप डोनट और हेलिक्स कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं इन कैड तो इस तरह हम डोनट और हेलिक्स uh, कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं और uh, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब आगे वर्क करेंगे या आपकी कोई ऐसी असाइनमेंट्स जवाब में मिल जाती हैं जिसके अंदर इन, इन इन कमांड्स का इस्तेमाल करना हो तो अभी हमने नोट किया है और एग्जीक्यूट करके इस्तेमाल करके ऑटो कैड के अंदर देखा है